लगभग है ना 500 मीटर की हाइट पे हूँ और ये जो प्लेस है इसका व्लॉग लाने के लिए, इसका वीडियो लाने के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आपसे पूछा भी था, बट किसी ने कमेंट नहीं किया, वो अलग बात है। और आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ये वाली प्लेस, आप लोग देख सकते हो वो जो है जलमहल है। और लास्ट वीडियो में अपन ने जो है जलमहल का जो अनसीन पार्ट था पीछे की साइड वाला एक्सप्लोर किया था, ये आई बटन पे लिंक है, आप लोग पहले इस वाला वीडियो जाके देख लो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्लेस पर आप कैसे आ सकते हो, और मैं बता दूँ इधर का जो व्यू मिलने वाला है ना आपको जयपुर में और कोई भी जगह से नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस साइड जो हमारा जलमहल वाली सिटी का व्यू है और इस साइड जो हमारा खोर वाली सिटी का व्यू है, तो दोनों सिटी का आपको यहाँ पे व्यू मिल जाएगा और साथ में पीछे इतने प्यारे प्यारे माउंटेन्स और ये मौसम में मज़ा आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट चलते हैं और साथ में मिलके एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ कि इस ट्रैक पे आप लोग कैसे आ सकते हो, तो आप लोगों को ये प्लेस पता होगा, लास्ट वीडियो में जो है द अनसीन पार्ट ऑफ जलमहल वाली वीडियो में हमने जो है ये प्लेस कवर की थी, और कवर करके हम जो है ऊपर बिल्डिंग में गए थे, इस वाली बिल्डिंग में, और इस वाली बिल्डिंग के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा ये लोहे का गेट, और ये गेट जो है एक्चुअली में बंद है, इसकी जो है वेल्डिंग हो रखी है, तो ये गेट जो है खुल नहीं सकता। बट सबसे पहला जो अपना काम है, इस गेट को जो है अपन को उलांगना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, देन उसके बाद जो है अपना ट्रैक स्टार्ट होगा। तो फटाफट से इस गेट को कूदते हैं और अपना जो है ये अमेजिंग ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी जो है ये जस्ट मैंने जो है ये गेट कूदा है, और मैं बता दूं आप जो ये पीछे साउंड सुन रहे होंगे ना मेरी, एक्चुअली में ये क्या है, बारिश की आवाज़ है, क्योंकि आज जो है मौसम बहुत तगड़ा हो रहा है जयपुर में, प्लस धीमी धीमी जो रिमझिम रिमझिम बारिश होती है वो हो रही है। और इधर का जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पाथ बना हुआ है छोटा सा, मतलब एक्चुअली में आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई पाथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बट एक्चुअली में यही जो है इधर का रास्ता है छोटा सा, और इसी रास्ते के जरिए जो है आपको ऊपर मैं उस अमेजिंग ट्रैक पे, उस अमेजिंग प्लेस पे जहाँ से जो इतना प्यारा व्यू आएगा वहाँ लेके जाने वाला हूँ। तो बस चलते हैं। अभी जो है मैंने केवल 50 से 100 मीटर के आसपास है ना ट्रैक किया होगा, और पीछे देखो मेरा इतना अमेजिंग व्यू आ चुका है। तो आप लोग सोच सकते हो ऊपर जाने के बाद अपन को क्या व्यू मिलने वाला है यहाँ का। और ये जो प्लेस है आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हो ना आप, ये है दिल्ली हाईवे, और ये जो पहाड़ है ये आई थिंक ये दिल्ली हाईवे का जो मेन पहाड़ है ना वही है ये। और ये पीछे ये मंदिर देख रहे हो आप, ये है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, आता है ना बहुत बड़े से हनुमान बजरंग बली बैठे अपने, वो वाला मंदिर है। तो अभी कंटिन्यू करते अपना ट्रैक और ऊपर। जयपुर का जो मानसून है ना वो मतलब एक तरह से उत्तराखंड को भी फेल कर देगा एक बार तो, क्योंकि आप पीछे देख सकते हो मेरे सारे अरावली माउंटेन्स और क्या व्यू आ रहा है। तो ट्रैक कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो थोड़ा सा आप आगे आओगे वहाँ से चढ़ के जो है आप आगे आओगे, तो आपको जो यहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे, आपको लगेगा ये वाला रास्ता है, बट ये वाला जो है रास्ता नहीं है, ये जो है टूटा हुआ है ख़राब रास्ता है। तो मैं आपको कहूँगा आप ये जो देखो इधर छोटा सा ये पाथ बना हुआ है, उधर से अपन को ऊपर जाना है। एंड वन मोर थिंग, आपको जो है यहाँ पे शूज़ ही पहन के आना है, आप स्लीपर या क्रॉक्स वगैरह मत पहन के आना, क्योंकि आपकी हालत टाइट हो जाएगी अगर आप स्लीपर या क्रॉक्स पहन के आओगे। इवन शूज़ भी जो है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तभी जो है आप सही से ट्रैक कर पाओगे। तो अभी चलते हैं ऊपर और ट्रैक कंटिन्यू करते, और इधर का रास्ता मतलब रियल ट्रैकिंग होती है ना जो, वो आपको यहीं देखने को मिलेगी। ओ भाई, रास्ता जो है थोड़ा टिपिकल बनता जा रहा है धीरे धीरे, बट ट्रस्ट मी गाइस, जो आपको जो आपकी आंखों को जो व्यू मिलेगा ना उनके बराबर ये रास्ता कुछ भी नहीं है यार। सामने देखो मेरे, क्या प्यारा व्यू है, वो रहा अपना जलमहल। थोड़ा सांस फूलना स्टार्ट हो चुकी है, और एक मिस्टेक कर दी, पानी की बोतल हम लोग नहीं लेके आए, बट प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाना, क्योंकि पानी की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है यहाँ पे। तो गाइस
फाइनली हम लोग जो है पहुंच गए, और आप लोग देख सकते हो वो जो है मेरे पीछे, ये रही जो है हमारी लोकेशन जो मैंने आपको नीचे से दिखाई थी, और इधर से जो है अभी हम जो है यूँ घूम के उस लोकेशन में जाएंगे। तो बस मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ से व्यू देखने के लिए, तो फटाफट से गाइस आपको लेके चलता हूँ और वहाँ से प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ। बाकी गाइस आप लोग जगह देख सकते हो कितनी प्यारी है, और अब देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, एक तरफ हमारे रास्ता है और दूसरी तरफ सीधे ये प्यारा व्यू है। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को जो है लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो लोग भी जो है ये प्यारा सा व्यू देख पाए। सो गाइस फाइनली मतलब 30 मिनट के आसपास की ट्रैकिंग करने के बाद अब जो मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ ना, सब फेल है उस व्यू के आगे, सब फेल है। आप लोगों ने नाहरगढ़ से व्यू देखा होगा, आपने जलमहल से देखा होगा, आपने गलता गेट से जयपुर सिटी का व्यू देखा होगा, बट आज की वीडियो में मैं जिधर का व्यू दिखाने वाला हूँ ना आपको, उधर से आपने कभी भी व्यू नहीं देखा होगा। गाइस क्या हवा चल रही है, इतनी तेज़ तो हवा चल रही है, आप लोग देख सकते हो आवाज़ में, डोंट नो क्लियर आ रही है नहीं आ रही, बट मैं आपको पहले प्लेस बता देता हूँ। अभी जो है हम इस प्लेस पे खड़े हैं, ये जो है ये पूरा गोल सा सर्कल है, और ये देखो गाइस ये जो है ये अपने दिल्ली रोड के बाद जो आती है ये फोन वाली रोड है, और इधर से ये पूरा दिल्ली हाईवे है, वो आगे जाके बहुत आगे जाके वहाँ पे वो आगे जो भी गाँव है वो है, और ये जो है सारे अरावली माउंटेन्स है, और ये जो प्लेस है पीछे अपने ये देख सकते हो आप, ये जो है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, और संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के पास में जो ये पूरी प्लेस है, ये गार्डन है किसी का, आई डोंट नो क्या नहीं, बट काफ़ी प्यारी लग रही है। और इधर है अपना जलमहल, ये देख सकते हो गाइस आप, ये पूरा जो है अपना जलमहल का व्यू है। काफ़ी बार पहाड़ों पे से केवल अपना जो मेन सिटी जयपुर सिटी मीन्स जो परकोटे में है वो वाली सिटी का व्यू देखा होगा, बट इस प्लेस पे जो है आपको परकोटे वाली सिटी का तो व्यू देखने को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको जो परकोटे के बाहर जो सिटी है, जैसे ये खोर की सिटी है और खोर से आगे जो भी प्लेसेस है, उधर का व्यू आपको केवल इस प्लेस पे देखने को मिलेगा। और हवा लिटरली इतनी तेज़ चल रही है ना, एक बार तो मैं ऐसा हो गया खुद ही, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है, और ये प्लेस है ना मतलब यार अपने आप में एक जैम है रियली, मतलब मैं खुद अपने आप को गाली बक रहा हूँ, भाई इतने टाइम से कहाँ था इस प्लेस के एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, क्योंकि देख सकते हो आप लोग गाइस क्या हरियाली है, मतलब ग्रीनरी, मतलब यार कुछ वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करते, पूरा खाली हो चुका हूँ मैं इस प्लेस पे आके, और जितनी भी हमारी थकान थी ना वो सारी जो है मिट गई, क्योंकि यहाँ प्लेस पे आके क्या ठंडी हवा चल रही है, मतलब सर्दी लगने लग गई एक बार तो भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही है। कैसी लगी आपको ये प्लेस, और कैसा लगा ये व्यू प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना, और चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने इतनी प्यारी प्लेस आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करी है, और मैंने आप लोगों को रास्ता भी बताया कि आप लोग जो है यहाँ पर कैसे आ सकते हो, तो उसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को अप्रिशिएट ज़रूर करना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में न्यू प्लेस के साथ, टिल देन बाय।